सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप मेटा बिजनेस सूट जो है उसमें अपनी फेसबुक की वीडियोस को कैसे अपलोड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका फेसबुक पेज है, आप उस पर वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, तो अभी मेटा बिजनेस सूट में ऑप्शन आ गया है। पहले क्रिएटर स्टूडियो था, तो क्रिएटर स्टूडियो में लोगों को काफ़ी आसान लग रहा था अपलोड करना। अभी जब से मेटा बिजनेस सूट हुआ है, तब से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में है कि भाई मेरा जो वीडियोज़ है वो अपलोड ही नहीं हो रहा है फेसबुक पर, तो वो कैसे अपलोड होगा, पब्लिश का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गाइस। पहले ओपन कर लेते अपना मेटा बिजनेस सूट क्रोम में। तो पहले से डेस्कटॉप साइट पे एनेबल कर लेते हैं गाइस, एंड यहाँ पे सर्च करते हैं मेटा बिजनेस सूट। ये देखिए, एंड यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, जो पहला लिंक है हमारा मेटा बिजनेस सूट का, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, मेटा बिजनेस सूट, मेटा फॉर बिजनेस का, इसे टैप करेंगे। तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं मेरा पेज का नाम वगैरह देख सकते हैं, मेटा बिजनेस सूट मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ से यहाँ पे आप आते हैं अपने कंटेंट पे। पहले मैं आपको अपना कंटेंट दिखा दूँ, यानी लास्ट वीडियो दिखा दूँ कि कौन सी पब्लिश की थी मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो यहाँ पे लास्ट वीडियो पब्लिश हुई है वो ये वाली है कि पॉडकास्ट का फेसबुक पेज कैसे बनाए, जो कि मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड करी है ये वीडियो। ठीक है, आप देख सकते हैं, थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ, लास्ट वीडियो मेरी ये है, इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं है अभी तक इस पर। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे 6 जून को ये पब्लिश हुई थी ये वीडियो। ठीक है, तो आते हैं हम अपने होम सेक्शन पर गाइस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको क्रिएट पोस्ट का, क्रिएट रील का, और मोर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइव जाने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बल्क में वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड मैनी मोर थिंग आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर ये है कि आपको अगर रील क्रिएट करना है तो इस रील वाले ऑप्शन पर टैप कर सकते हैं, ये जो क्रिएट रील का ऑप्शन है। अगर आपको पोस्ट क्रिएट करना है, यानी आपको कोई वीडियो अपलोड करना है, तो कोई जो क्रिएट पोस्ट है उसके ऑप्शन को टैप करना पड़ेगा। टैप कर दिया हमने, ये देखिए गाइस, टैप करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम इन करके। अब यहाँ पे आप फोटो को ऐड करना चाहे तो फोटो पोस्ट कर सकते हैं, अगर वीडियो पोस्ट करना चाहे तो वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वीडियो अपलोड करना है, तो पहले वीडियो पर आ जाते हैं। एंड अभी यहाँ पे काफ़ी लोगों के डाउट होते हैं गाइस, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ये देखिए शेड्यूलिंग ऑप्शन, नीचे पब्लिश नाउ, शेड्यूल और सेव एज अ ड्राफ्ट। तो ये जैसे ही हम यहाँ पे वीडियो ऐड करेंगे तो ये पब्लिश नाउ का ऑप्शन गायब हो जाता है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है कि पब्लिश नाउ का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो कैसे वीडियो पब्लिश होगी वीडियो ऐड करने का, तो वो मैं दिखाऊंगा। तो ऐड वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है उसे टैप करेंगे, एंड यहाँ से फाइल्स पे आएंगे। सो यहाँ से ये वाली वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इसे टैप कर लिया हमने। अब देखिए गाइस मेरी यहाँ से वीडियो जो है अपलोड होनी शुरू हो गई, ये देखिए यहाँ पे 5% हो गया है, थोड़ा जूम इन कर दूँ, ये देखिए अब ये धीरे धीरे अपलोड होगी। एंड यहाँ पे जो है आपको नीचे टाइटल का ऑप्शन भी आ गया कि आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, थंबनेल ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, जो कि इसके साइड में एक ऑप्शन है, इसे टैप करेंगे। एंड मेरी वीडियो हिंदी में है तो मैं हिंदी यहाँ पर ऐड करूँगा। आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना इसलिए यहाँ पर ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपके जो वीडियो उस पर येलो डॉलर आ सकता है, और येलो डॉलर आ गया तो आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा कम बनेगा गाइस, इस वजह से लैंग्वेज सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। एंड अब यहाँ से अपना टाइटल ऐड करते हैं गाइस, सो यहाँ से हमने इसका टाइटल ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं, कुछ ठीक ठाक से डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं। तो पहले इसी चीज़ को मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ से गाइस हमने अपना डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया, जो कि बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है आपको दिखाने के लिए, इसमें मैंने हैशटैग वगैरह भी यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है गाइस थंबनेल की, तो थंबनेल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे थंबनेल आपको नीचे शो हो रहे हैं, चाहे तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, या अगर आपने कोई अपनी फ़ोन में सेव करके रखा हो या बना के रखा हो थंबनेल तो उसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बना के रखा तो मैं उसे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है अपलोड इमेज का, तो मैं इसे टैप करूँगा। एंड यहाँ पर जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है अपलोड इमेज का, इसे भी टैप करूँगा। तो यहाँ से मैं गैलरी में आ गया अपने फ़ोन की गैलरी में, अब यहाँ से ब्राउज़ करके यहाँ से कोई भी थंबनेल उठा लेता हूँ जो कि मैंने बनाया हुआ था, जो कि ये वाला था। सो यहाँ से थंबनेल अपलोड हो गया गाइस, देख सकते हैं। अब इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है इसके, जो कि है शो मोर का, अब इसे टैप कर लेते हैं। एंड यहाँ पे टैग आप यूज़ कर सकते हैं, और कोलैबोरेटर अगर हो तो किसी के साथ तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टैग यूज़ कर सकते हैं। टैग यूज़ करना ज़रूरी होता है गाइस ताकि वीडियो जो है रैंक करे, यहाँ से मैं टैग ज़रूर ऐड करूँगा। इसे साइड करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है इसे ऑन करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमें टैग ऐड करने का। तो इसे टैप करते हैं, जैसे कि ये वीडियो है हमारी। सो यहाँ से गाइज मैंने आपको तीन टैग ऐड करके दिखाए, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ फिलअप हो गई है, हमने इस लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, टाइटल ऐड कर लिया, डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया, थंबनेल ऐड कर लिया, एंड यहाँ पे टैग ऐड कर लिया। अभी गाइज ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कहीं भी पब्लिश का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी जब भी कोई फ़ोन से करेगा तो फ़ोन में एक दिक्कत आई गाइज कि आपको क्रिएट एंड शेयर का ऑप्शन नीचे होता है, वो आपको दिखेगा नहीं। तो उस ऑप्शन को ऊपर लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इस टैग वाले सेक्शन पर टैप करें, ये आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आप ऑप्शन देख पाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए
यहाँ पे क्रिएट ऑप्टिमाइज एंड शेयर का ऑप्शन आ गया नीचे, और इसके साइड में है कैंसिल और नेक्स्ट का ऑप्शन, तो हमें नेक्स्ट के ऑप्शन को टैप करना है, ये हमने टैप कर दिया ठीक है। एंड इससे नीचे करेंगे, अगर आप चाहते हैं यहाँ से कैप्शन ऑन करना तो कैप्शन ऑन कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है। अगर आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, बट मैंने ऑन किया हुआ है। यहाँ से वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है गाइस, इससे चाहें तो आप टैप कर सकते हैं, ऑटो में चाहे तो ऑटो में कर सकते हैं और एडवांस में चाहे तो एडवांस में कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से हमने ऑटो में कर दिया, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के लिए आप अब यहाँ पे टैप का ऑप्शन अगर आपको नहीं मिला तो आपको क्या करना है, हल्का सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ उठा के जूम आउट करना है, ये देखिए ठीक है, यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन टैप करेंगे, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। आप यहाँ से चाहें तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको अलाउ अदर पेजेस टू पोस्ट, यानी किसी और पेज पे अगर आप चाहें पोस्ट करना तो वो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शन हैं इनके सामने ये दिखेंगे, यानी अगर आपको किसी पेज पर पोस्ट करना तो इसे ऑन कर देना, यहाँ पर पेज का नाम सर्च कर लेना, और तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अपना किसी भी पेज पे ये चीज़ पोस्ट कर सकता हूँ, प्रोफाइल में पोस्ट कर सकता हूँ, बट मुझे पोस्ट करना नहीं है तो इसलिए ऑफ करते हैं अभी से। उसका प्लेलिस्ट ऐड करना चाहिए, अगर आपने कोई प्लेलिस्ट बनाई तो उसके सामने ये जो बटन है उसे ऑन कर देना है, अगर आपका कोई प्लेलिस्ट वगैरह होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन पर करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसे भी ऑफ करते हैं, प्लेलिस्ट अभी ऐड नहीं करना। बाकी और भी ऑप्शन है, जितना आप इसे चेकआउट करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा कम्प्लीटली गाइस, अब वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही है, एंड उसी तरह यहाँ पे ऑप्शन आपको लाने के लिए थोड़ा इसे ऊपर की तरफ करके जूम इन करना होगा ताकि आपको चीज़ें दिख जाए यहाँ पर, ये देखिए। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन लास्ट दिख रहा है आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है राइट, जो नीला वाला है, इसे हम जैसे टैप करेंगे ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई पब्लिश का ऑप्शन नहीं है, शेयर करना है आपको। एंड यहाँ पे देखिए लिखा आ गया पब्लिशिंग योर पोस्ट ठीक है ये। सो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो अपलोड यहाँ पे हो चुकी है, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ थोड़ा, ये देखिए जो मैंने टाइटल लिखा था फेसबुक रिकमेंडेशन अपडेट का, एंड ये थंबनेल था हमारा, एंड यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ 7 जून को है 10:56 पे, जो कि आज की डेट है। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आया हो कि वीडियो कैसे अपलोड होती है मेटा बिजनेस सूट में, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती गाइस, जो लोग मुझे बता रहे थे कि प्रॉब्लम आती है ऐसा कुछ भी नहीं होता।